चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहिद। तो दबी जुबा की दास्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज कुछ खास खबर दिखाते हैं। हालांकि हमारे बिहार में जो भ्रष्टाचार होता है और चलते आ रहा है, उस भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो मेरी जुबान दुखती रह जाएगी और मेरी जुबान चलती रह जाएगी, मगर भ्रष्टाचार वो खत्म नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले इसी पंचायत के एक स्कूल में मैंने न्यूज कवरेज किया था कि कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि कौन बनेंगे हेडमास्टर की लड़ाई हो रही थी। उसी बीच में मुझे सूचना मिला, मैं जाके खबर कवरेज किया और धरातल पर बड़े अधिकारी के द्वारा जांच हुआ। तो चलिए, अभी हम किस स्कूल में मौजूद हैं, ये राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल है और ये स्कूल का जो स्थिति, जो पोजीशन है वो हम दिखाएंगे। मगर सबसे पहले और सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा इन महिलाओं से। इन महिलाओं से क्या सवाल रहेगा कि क्या दिक्कत आई है इन लोगों के साथ जो अपना घर छोड़ के स्कूल के पास खड़ी है, और समस्या की साधन क्या है वो आप जानते हैं और सरकार का सिस्टम जानता है। भले हमारा काम है लोगों तक आवाज पहुंचाना। तो चलिए, सबसे 20,000-75,000 स्कूल के रिपेयरिंग करने के लिए, सारा चीज करने के लिए वो हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए, ये है शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है स्कूल का। अब समझ में नहीं आता है ये स्कूल के शौचालय के लिए जो पैसा सरकार ने दिया वो पैसा कहाँ गया। अब अगर ये सवाल हम उठाते हैं हेडमास्टर पर उठाते हैं, बड़े अधिकारी पर उठाते हैं, तो पत्रकारों पर झूठा आरोप लगाकर केस कर दिया जाता है, पत्रकारों को बदनाम कर दिया जाता है और पत्रकारों को दबंग कहा जाता है, पत्रकारों को वांटेड कहलाया जाता है। अब सवाल ये बताइए, हम सरकार और सरकार के सिस्टम और हम अपने जनता से जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का खबर कवरेज करेगा पत्रकार, लोगों को जागरूक करेगा, जनता को जागरूक नहीं करेगा, हमारा बिहार किस तरह से आगे चलेगा। हालांकि भ्रष्टाचार की अगर बात करें, मैं इस रैन बेला पंचायत के बारे में नहीं बल्कि पूरे बिहार की अगर बात करें, क्या हालत बना रखा है। अब समझ में नहीं आता है कि बरसों से, मुझे लग रहा है कि बरसों से स्कूल में कभी सफाई नहीं हुई होगी। हालांकि सरकार ने सफाई का भी पैसा भेजते हैं स्कूल में और रिपेयरिंग करने का भी पैसा भेजता है स्कूल में, मगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्कूल का जो विधि व्यवस्था देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा बंजर बना हुआ है। क्योंकि और भी मास्टर हैं, और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और देखिए, ये जो मतलब गंदगी देख रहे हैं आप, और अंदर चले जाते हैं, ये देखिए। अब समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं कि स्कूल में भी सरकार पैसा भेजती है। ये देखिए, मच्छर मर रहे हैं इसमें, कीड़े मर रहे हैं। अब ये बताइए कि बीमारी क्यों नहीं होगा, कोरोना क्यों नहीं आएगा हमारे बिहार में फिर से, लोग बीमारी से क्यों नहीं मरेंगे, इसके पीछे यही रीजन है। अगर यही गंदगी चाहिए रसोई घर वालों की, सवाल है, और यहाँ 8 क्लास है, इधर आइए, इधर खाना बनाती हैं, खाना बनवे चाहिए, की सब बने बनता है, क्या की बन ले रहे, परसों की बन ले रहे, कौन दिन है बृहस्पति की बने छा शुक्र के शनि के रवि के सोम के की सब दरबार सब्जी मंगल के बनबे अहाँ पक्का बुध के खिचड़ी चोखा बस ये दुए टा खिचड़ी चोखा भात दाल और कुछ नहीं फल फ्रूट नहीं देते हाँ चलिए मैं इसलिए रसोई से पूछा क्योंकि बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं और टीचर भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसलिए मैंने इनसे पूछा कि फल फ्रूट स्कूल में दिया जाता है या नहीं दिया जाता। हालांकि जो धरातल है वो देख लीजिए और जो समस्या है स्कूल का वो देखिए, कभी बोंडी है आपको मेन गेट नहीं मिलेगा, और मेन गेट अगर मिल जाएगा तो बोंडी। ये सरकार का जो सिस्टम है ना भाई साहब, ये सरकार का सिस्टम इतना मतलब भ्रष्ट है। हालांकि सरकार अपनी जगह काम कर रही है, मगर सरकार के जो सिस्टम होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो इतने भ्रष्ट हैं, बिहार को इतने भ्रष्ट में लेकर चले गए हैं कि हमारा शिक्षा विभाग और शिक्षा जो है बहुत पीछे चला गया। अब देख लीजिए, जो फौजी का नौकरी जो देश के लिए मरते हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए ही अब नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या होगा, वो रिटायर हो जाएंगे, वो 7 साल के हो जाएंगे। अब चलिए, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, कुछ महिला है, सिर्फ
लास्ट क्वेश्चन देगा महिला लोगों से कि क्या मांग करती है, यहाँ की ग्रीन पार्टी क्या मांग करती है और यहाँ के जो अधिकारी है उनको क्या मांग करती है। अच्छा क्या मांग है आप लोगों का? एक मिनट, जान देते देते कभी उनको शुगर की बीमारी हो जाती है, कभी वो हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि सरकार का जो काम होता है वो इतने प्रोसेस से करते हैं, इतने प्रोसेस से करते हैं कि उनको बीमारी में तब्दील की जाती है। एक टीचर है यहाँ पर, टीचर है इधर का, एक मिनट मैं एक बात कर सकता हूँ। टीचर है आप? टीचर मुझे ये बताइए मैडम कि सबसे पहले आपको सवाल ये छोटा सा सवाल है, आपके बिहार का शिक्षा मंत्री भी है, क्या नाम है? अच्छा, बच्चे जो है अभी किस तरह से, मतलब लोगों का तो आरोप है कभी स्कूल में खाना सही नहीं मिलता है, कभी टीचर लोग सही से टाइम पर नहीं आते हैं, क्या लगता है? सही बोल रहे हैं बच्चे लोग तो बोलते हैं कि टीचर्स टाइम पर नहीं आते हैं, कभी कभी सही से खाना भी नहीं मिल पाता है, बच्चे गलत बोल रहे हैं? बच्चे भी टाइम पर मुंह तोड़ने के चलते नहीं आ रहे हैं। तो मतलब बच्चे नहीं आते हैं, आते हैं कभी कभी, लेकिन क्या करेंगे, आता है बहाना से चले जाता है। अच्छा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? अच्छा कितने बच्चे आते हैं रोज? रोज कितने बच्चे आते हैं? 50-60 बच्चे, 50-60। और रोज हाजिरी कितने बच्चे की स्कूल में बनती है? हाजिरी तो क्लास वाइज है, फिर भी आप किस क्लास के टीचर हैं? कभी तीनों का आते हैं, कभी पांचों का आते हैं। अच्छा दोनों क्लास में अटेंड करते हैं। चलिए आपको एक अजूबा घर दिखाएंगे जिसको हम लोग रसोई घर कहते हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या कि समस्या क्या है स्कूल के अंदर और समस्या क्या क्या आती है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं 13 नंबर वार्ड जिला पंचायत के वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा क्या समस्या आ रहा है स्कूल में? स्कूल में तो बहुत सारा समस्या है, जैसे MDM का है जो मध्यान्ह भोजन, उसमें आज तक 20 बच्चा आता है, 300-350-400 का हाजिरी बनाते हैं। उसके बाद हरा साग सब्जी फल फूल आज तक कोई भी बच्चा को नहीं मिला, इसमें कुछ वीडियो मेरे पास भी है जो कि हम अथी करके रखे हैं इनको सेव करके। उसके बाद जो है जो आज कल हमने जो है सो इन लोगों को शिक्षा समिति का बैठक के लिए इन लोगों को बुलाए, हेड सर को भी फ़ोन किए, तो उन्होंने आज तो आए लेकिन हमको देखने के बाद में जब हम लोग सब यानी पूरा कमेटी अंदर में आए वो अपना मोटरसाइकिल लेकर के निकल गए। आप देख सकते हैं जो पूरा रूम जितना भी है ऊपर का ऑफिस ऑफिस सारा बंद। अच्छा, कौन आप तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, सारे अध्यक्ष का जिम्मेदारी आपका आपके हाथ में है, बच्चे का भी जिम्मेदारी आपके हाथ में जी। कौन टीचर टाइम पर आते हैं कौन नहीं आते? टीचर से तो उतना नहीं, टीचर तो लगभग सब समय पर आ जाते हैं, लेकिन ये MDM से विधि व्यवस्था क्या है? विधि व्यवस्था बिल्कुल यहाँ का व्यवहार। चलिए और भी लेडी और भी महिला से पूछते हैं, क्या नाम हुआ, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि बच्चा सबको यहाँ पर कोई ऐसा रूम नहीं मिलता है, नहीं पढ़ाई बढ़िया से होता है, समस्या यहीं पर है। चलिए हम उस समस्या के अंदर भी जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे जहाँ भोजन तैयार होता है, उस लिस्ट को भी हम दिखाएंगे और जागरूक करेंगे। मगर सबसे पहले जो स्कूल का ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड देख लीजिए। चलिए और भी महिला सब है। अच्छा ये बताइए, घर द्वार छोड़ करके स्कूल पर खड़ी है यहाँ पर, आखिर क्या परेशानी आ गई? परेशानी यही है जो स्कूल आता है बाल बच्चा उसको पढ़ाई होना चाहिए, सब दीदी सब मास्टर मैडम मास्टर भी एक टीम बैठा रहा है, बच्चा सब कीड़ा उड़ा कर रहा है, क्या ही पढ़ाई हो रहा है स्कूल में। मगर सरकार तो कहती है कि हमने बिहार सभी सरकारी स्कूल में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, आप आए हैं ना, आप देखिए ना क्या है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था आप तो चल करके आए हैं, आप देख लीजिए अच्छा करें। अच्छा क्या लगता है आपको कि स्कूल में विधि व्यवस्था और पढ़ाई सही से नहीं होती? नहीं होती। चलिए और तो चलिए स्कूल की क्लास के अंदर हैं और हमारे साथ मास्टर साहब भी हैं और जो बच्चे सब हैं, क्या नाम हुआ आपको? सतीश कुमार। कल स्कूल आए थे? जी सर। क्या सब मिला था खाने पीने में? पशु क्या मिला था? वही मिलता है, रोज वही मिलता है, कब? खिचड़ी मिलता है, कभी कोई भात दाल मिलता है, शुक्र गोफल मिलता है। तो और कभी मतलब हलवा वगैरह सब मिला है? मिलता है, कैसा मिलता है?
अच्छा कितने बजे स्कूल आते हो? 9 बजे आ जाते हो? पक्का 9 बजे आ जाते हो? किस क्लास में? 7 क्लास में। चलिए बच्चे हैं और टीचर साहब, जो आरोप लग रहा है यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा कि आखिर इस तरह का आरोप लगना टीचरों पर अच्छी बात नहीं है, कि लोग टीचर लोग लेट से आते हैं, कोई विधि व्यवस्था नहीं है इसमें? विधि व्यवस्था तो है, टीचर भी आते हैं कभी कभार, चपाकल ऐसा हो जाता है। अभी भी हेड मास्टर साहब गायब हैं? अभी हेड मास्टर साहब ग्रसन जो है उनकी तबीयत खराब है और आए थे, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, वहाँ वो बोले कि सर हम जाना था दवाई लेकर के और हम लौटेंगे, तबीयत हमारी सही हो गई तो हम अभी लौट के आए। तबीयत अगर ठीक नहीं हुई तो नहीं लौट पाएंगे? हाँ, अगर मतलब ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो हमारी। चलिए ये तो बोलने की बात है, हम बोल देते हैं।